हरियाणा सरकार द्वारा गरीब लोगों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों के तहत आज पशुपालन विभाग ने इंद्री हल्के के गांव कलसोर और गढ़ी बिरबल में 4 यूनिट बैकयार्ड पोल्ट्री दिए गए। अनुसूचित वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने के प्रयासों के तहत गांव कलसोरा में बैकयार्ड पोल्ट्री 3 यूनिट और गढ़ी बिरबल में 1 यूनिट बैकयार्ड पोल्ट्री की वितरित की गई। यूनिट में 50 चूजे दिए गए। पशुपालक विभाग स्थित SDO नरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित वर्ग के लोगों को मुफ्त में चूजे देने के अलावा दाना पानी के लिए फीडर भी फ्री दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं जो किसी भी नज़दीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे है, विभाग की तरफ से बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए जो है छोटा जो पोल्ट्री पालन के लिए 50 चूजे दिए जाते हैं फ्री, और उनको ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाता है। हम रूटीन में ये भर के भेजते रहते हैं और जैसे ऊपर से यूनिट स्वीकृत होती है उनके जो है सप्लाई आ जाती है। आज जो है 3 कलसोरा की और 1 गढ़ी बिरबल की, 4 जो है यूनिट आई है हमारी, तो वो हमने जो है डिस्पर्स करवा दी है। तो पहले कितनी आई थी और किस किस को? ऐसे पीछे थोड़े दिन पहले 5 यूनिट आई थी। ऐसे साल में जैसे बारी बारी से जैसे आती है ना, महीने दो महीने में आती रहती है, तो हम इनके फॉर्म भरते रहते हैं। जो भी हमारे पास आवेदन आते हैं या जैसे भी आपके माध्यम से भी है, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी 50 चूजों की यूनिट लेना चाहे वो हमसे संपर्क कर ले हॉस्पिटल से और अपना फॉर्म आवेदन जो है भर के भेजते हैं। आगे भी ये फॉर्म भरे जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर भरे जाते हैं, अब भी भरे जा रहे हैं और आगे भी भरे जाएंगे। और जिसको भी लेना है उसके हम आवेदन भर के डिप्टेटर कार्यालय में भेज देते हैं और वहाँ से शॉर्टलिंग होते हुए जैसे भी सप्लाई आती है तो वैसे धीरे धीरे सब जगह सप्लाई होती है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभाग इस तरह के कार्य कर रहा है? हाँ, ये किसानों के लिए है, ये सरकार के आदेश हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं वो थोड़ा अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इससे आय का साधन बढ़ सकें। तो एक बताना चाहेंगे, जैसे डोज लगेगी अभी पशुओं का, उसको लेकर की क्या कुछ कहेंगे? हाँ, अभी जो है वैक्सीन जो है ना, हमारी ड्यूअल वैक्सीन जो बोलते हैं 50+HS, वो उसकी वैक्सीन की अभी सप्लाई आने वाली है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 तारीख से। और मेरी सभी पशुपालक भाइयों से आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि हम टैगिंग का कार्यक्रम भी और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी दोनों साथ साथ चलाएंगे। और सभी से मेरा निवेदन है कि अपना किसी का भी कोई पशु ना छूटे और उस बारे में जो है हमारी टीम का भी सहयोग करें और अपने हर पशु को जो है कवर करें। और यदि किसी का पशुपालक कोई इधर उधर गया हुआ है या कहीं बाहर है और बाई चांस शाम को आ जाता है और रह जाता है उसका पशु, तो कृपया जो है अपनी सूचना जो है जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे दे दे, ताकि हम उसको अगले दिन भी कवर करें। हमारी इच्छा है कि 100% हम जो है पशु इसमें कवर करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। बीमारियों से बचाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं? हाँ, ये जो है बीमारी से बचने के लिए टीके हैं जो साल में 2 बार बिल्कुल मुफ्त लगाए जाते हैं विभाग की तरफ से,